शहर के मध्य भाग मौलाना आजाद बगीचा है। इस बगीचे में सुबह और शाम छोटे बच्चे, ज्येष्ठ नागरिक आते हैं, लेकिन बगीचे की दयनीय अवस्था हुई है। कई खेलने के साहित्य टूटे हैं, जिसे मनपा प्रशासन ने 2015-16 में बगीचा सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का निधि मंजूर किया। काम की निविदा निकाली, कम दर से निविदा डालने से घटे नामक ठेकेदार को ठेका दिया गया। कांग्रेस के नगर सेवक नंदू नागरकर ने इस मामले में आर्थिक गैरव्यवहार होने का आरोप करते दूसरी निविदा निकालने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी ओर की थी। विधानसभा में भी तारांकित प्रश्न उपस्थित किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मामले की विभागीय आयुक्त की ओर से जांच की। मनपा आयुक्त ने निविदा प्रक्रिया नियमित होने का जांच अधिकारियों की ओर स्पष्ट किया। इस संबंध अहवाल शासन की ओर प्राप्त हुआ है, जिसे नगर विकास खाते के कक्ष अधिकारी पानी वितरण व देखभाल दुरुस्ती का अहवाल शासन की ओर भेजने का पत्र भेजा। साथ ही इस मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने मनपा प्रशासन ने सक्षम होने का बताया, जिसे मनपा ने बगीचे सौंदर्यीकरण के काम की दूसरी निविदा निकालने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री आज भेटलो होतो, मी आणि माझ्या की ही कंत्राट जो 4.5 कोटीचा आहे, आपण लोएस्ट एल1ला जायचं का एंट्री द्यायचा, तर मुख्यमंत्री एल1 म्हणून त्यांनी त्याला स्टे दिला आणि सांगितलं की तो लोएस्टच्या त्यालाच काम द्यावा लागतो। म्हणून आज त्याची उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली, चौकशी निष्पन्न झालं आणि नगर विकास मंत्र्याचे जे म्हैसेकर मॅडम त्याने सांगितलं आयुक्तांना तुम्ही आपण आपल्या स्तरावर निर्णय घ्या, नवीन निविदा काढा आणि ते नवीन निविदा काढत आहे। माझं एकच म्हणतो, जो कमी दराने काम करत आहे तो लोएस्ट आहे। लोएस्ट मला लिहून देत असेल त्याला की मला काम करत नाही, तेव्हा हे काम देत आहे। त्या आता एकाच माझा हट्ट धरून काम द्यायचा याचा मी विरोध केला आणि तो आज या लेझिमच्या आताकडे त्यांनीच तेव्हा तो निर्णय घेतला होता, तेव्हा मी विरोध केला। आज तेच आयुक्त त्यांना गोष्ट पटली आहे आणि म्हणून नव्याने निविदा निघत आहे, चांगली गोष्ट। आम्ही बगीचा झाला नाही पाहिजे असे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने की अध्यक्ष जबाबदार व्यक्ती आहोत, नगरसेवक जबाबदार आहे, परंतु जे नियमन होत आहे ते नियमन झालं पाहिजे। ऐतिहासिक बगीचा बोल के एक ही शहर में बगीचा है आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसकी निविदा हमने 15 में भी निकाले थे, 16 में भी निकाले थे, 3 बार ऑनलाइन टेंडर हुआ था, टेंडर 9% बिलो था, पर राजकीय द्वेष के कारण शहर कांग्रेस के अध्यक्ष नंदूजी नागरकर ने इसके ऊपर चौकसी लगाए थे सीएम को, सीएम साहब को बोल के, और आज 1.5 साल बाद में चौकसी में कुछ भी नहीं आया। 2 साल जो शहर का अच्छा बगीचे का विकास होने वाला था, उसका राजकारण के सिर्फ इसके इसमें उसका विकास लटक गया था। अभी मैं माननीय महापौर मैडम और सभापति महोदय से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी टेंडर निकाल के उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए आजाद बगीचे का लोकार्पण करने को ना जल्दी से जल्दी।